नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्यापार लर्निंग हब में। तो आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं आरओ रेंटल बिजनेस के लिए, जहां आज हम जानेंगे कि कैसे आप सिक्योरिटी अमाउंट एंट्री, स्टाफ सर्विस रिकॉर्ड्स, मंथली पेमेंट्स, पेमेंट रिमाइंडर्स आदि को मैनेज कर बड़े आसानी से अपना बिजनेस हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे। सबसे पहले आप व्यापार अकाउंटिंग एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे और अपने सभी प्रोडक्ट्स जैसे प्योरीफायर्स और सर्विसेज को ऐड कर लेंगे, क्योंकि आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो आइटम पर क्लिक कर आइटम नेम और अपनी ज़रूरत अनुसार दिए गए डिटेल्स को फिल कर लेंगे, जैसे प्रोडक्ट की यूनिट, आइटम कैटेगरी, आइटम डिटेल्स। ऐड करने के लिए सेटिंग्स आइकन पर क्लिक कर दिए गए डिस्क्रिप्शन को ऑन कर लेंगे, जिसे आप रीनेम भी कर सकते हैं, और अपनी आइटम इमेज सेट कर आप चाहे तो परचेज प्राइस ऐड कर सकते हैं, और फिर स्टॉक पर क्लिक कर अवेलेबल स्टॉक एंटर कर सेव कर लेंगे। अगर आप अपनी सर्विसेज ऐड करना चाहते हैं तो आइटम पर क्लिक कर सर्विसेज पर क्लिक करेंगे, और फिर ऐड योर फर्स्ट सर्विस पर क्लिक कर सर्विस नेम और बाकी डिटेल्स एंटर कर सेव कर लेंगे। तो आपकी सभी सर्विसेज सर्विस सेक्शन में दिखाई देंगे। तो हमने यहाँ कुछ सर्विसेज ऐड कर ली है। अगर आपके पास मल्टीपल आइटम हैं तो यूटिलिटीज पर क्लिक कर अपलोड फ्रॉम एन एक्सेल पर क्लिक कर लेंगे, तो आप अपना सैंपल डाउनलोड कर एक बार में अपने आइटम की सभी डिटेल्स एंटर कर अपना अवेलेबल स्टॉक ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर पूरा वीडियो देख सकते हैं। अब मान लीजिए हमने किसी आरओ प्योरीफायर को 12 महीने के लिए रेंट पर दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले एक सेल इनवॉइस बनाएंगे, जिसके लिए आप ऐड सेल पर क्लिक कर पार्टी नेम ऐड या सिलेक्ट कर उसकी डिटेल्स फिल कर लेंगे, क्योंकि आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो आइटम पर क्लिक कर की क्वांटिटी एंटर कर प्राइस पर यूनिट में 0 ही रहने देंगे, और फिर सर्विसेज सिलेक्ट कर जितने मंथ के लिए आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी एंटर कर प्राइस पर यूनिट में अपनी वैल्यू एंटर कर लेंगे, और अगर आपने कुछ सिक्योरिटी अमाउंट भी लिया है तो सिक्योरिटी अमाउंट सेलेक्ट कर अपना अमाउंट एंटर कर लेंगे। साथ ही अगर आप स्टार्टिंग में कुछ सर्विसेज फ्री देते हैं तो आप अपनी सर्विसेज ऐड कर अमाउंट को 0 ही रहने देंगे, जिससे आप पता कर पाएंगे कि कितनी सर्विसेज आपको अभी देनी है और कितनी बाकी हैं, और फिर अपना पेमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे जिस पेमेंट मोड में आपने पेमेंट कलेक्ट किया है। डिस्क्रिप्शन में आप सिक्योरिटी अमाउंट रिसीव्ड या अपने अकॉर्डिंग नोट भी एंटर कर सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, और फिर जो अमाउंट आपने रिसीव किया है एंटर कर लेंगे, या आप अपने लिए एक रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं, जिसके लिए आप सेटिंग आइकन पर क्लिक कर ड्यू डेट्स एंड पेमेंट टर्म्स को ऑन कर लेंगे, या आप सेट पेमेंट टर्म्स पर क्लिक कर रिमाइंडर के लिए डेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 30 डेज सिलेक्ट कर डन कर दिया है, जिससे हमें हर महीने पता चलता रहेगा कि मुझे किससे पेमेंट रिसीव करना है और किसकी पेमेंट ओवरड्यू हो गई है। अब आप जब भी नया बिल बनाएंगे तो अब ऑटोमेटिकली आपका 30 डेज रिमाइंडर सेट हो जाएगा, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो अब हमारा बिल रेडी हो गया है। जैसे ही आप सेव करते हैं तो आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपका कस्टमर आरओ प्योरीफायर की सर्विस कराता है तो एड सेल पर क्लिक कर पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेंगे, या आप सर्विस प्रोवाइडर का नेम भी ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए सेटिंग आइकन पर क्लिक कर मोर सेटिंग्स पर क्लिक कर लेंगे, और फिर एडिशनल फील्ड पर क्लिक कर ट्रांजेक्शन एडिशनल फील्ड से एडिशनल फील्ड 1 को ऑन कर सर्विस प्रोवाइडर नेम या अपने अकॉर्डिंग फील्ड नेम एंटर कर, और फिर अपना शो फील्ड ऑन सेलेक्ट कर डन कर देंगे। साथ ही आप अपने पेमेंट को लिंक करने के लिए लिंक पेमेंट टू इनवॉइस को भी ऑन कर लेंगे, और अगर आप अपने बनाए हुए ट्रांजेक्शन पर सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं तो इनेबल पासकोड फॉर ट्रांजेक्शन एडिट एंड डिलीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बिना पासकोड के आपका ट्रांजेक्शन डिलीट या एडिट नहीं होगा, और ट्रांजेक्शन पर अपना टाइम प्रिंट करने के लिए आप एट टाइम ऑन ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप चाहें तो बिल पर प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी टर्म एंड कंडीशन भी ऐड करना चाहते हैं तो प्रिंट पर क्लिक कर जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो आपको टर्म एंड कंडीशन दिखाई देंगे, जिस पर क्लिक कर आप अपने ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें ऐड कर सेव कर सकते हैं, और चेंज ट्रांजेक्शन नेम पर क्लिक कर अपने ट्रांजेक्शन नेम को भी
अपने अकॉर्डिंग रीनेम भी कर सकते हैं। अगर आप पार्टी को कस्टमाइज मैसेज भेजना चाहते हैं तो ट्रांजेक्शन मैसेज पर क्लिक कर अपने ट्रांजेक्शन टाइप सेलेक्ट कर अपना मैसेज कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जिसे आप सेंड वी अ पर्सनल व्हाट्सएप का यूज कर अपने नंबर या बिजनेस नेम से भी शेयर कर सकते हैं, और पार्टी पर क्लिक कर एडिशनल फील्ड का इस्तेमाल कर पार्टी की अदर डिटेल्स भी एंटर कर सकते हैं। साथ ही रिमाइंडर मैसेज पर क्लिक कर आप पेमेंट रिमाइंडर के लिए एडिशनल मैसेज भी ऐड कर सकते हैं, या आप अपने लिए भी रिमाइंडर डे सेट कर सकते हैं जो आपको पार्टी की ड्यू डेट आने पर रिसीव होगा। अब आप देख सकते हैं कि आप अपने सर्विस प्रोवाइडर का नेम आसानी से एंटर कर सकते हैं, जिससे आप उनकी रिपोर्ट्स भी आसानी से देख पाएंगे कि किसने कौन सी सर्विस दी हुई है, और फिर अपनी फ्री सर्विस सेलेक्ट कर सेव कर लेंगे। अगर आप पार्टी को रिमाइंडर देना चाहते हैं तो पार्टी पर क्लिक कर अपनी पार्टी सेलेक्ट करते ही आपको राइट साइड में दिए गए आइकन का इस्तेमाल करके आप नॉर्मल मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए या अपने और अपनी पार्टी के लिए पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट कर रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं, जो आपको और आपकी पार्टी को दिए हुए टाइम पर ही रिसीव होगा, जिसे आप डन कर सेव या डिलीट भी कर सकते हैं। पर अगर आप बल्क में पार्टी को रिमाइंड करना चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक कर अपनी पार्टी सेलेक्ट कर सेंड रिमाइंडर्स इन बल्क पर क्लिक कर एक फ्रेंडली रिमाइंडर आसानी से भेज सकते हैं। जैसे ही आप अपनी मंथली पेमेंट रिसीव करते हैं तो सेल पर क्लिक कर पेमेंट इन पर क्लिक कर एड पेमेंट इन पर क्लिक कर लेंगे, और पार्टी सेलेक्ट कर आप लिंक पेमेंट पर क्लिक कर अपना अमाउंट एंटर कर पेमेंट को सेल इनवॉइस से लिंक कर देंगे, और फिर डिस्क्रिप्शन में अपना नोट एंटर कर सेव कर देंगे, तो आपकी पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, जिसे आप अपनी पार्टी के साथ व्हाट्सएप, जीमेल या मैसेज के जरिए शेयर कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट इनकी एंट्री कर लेते हैं तो उस पार्टी को सिलेक्ट कर जो बिल आपको ओवरड्यू दिखाई दे रहा है उस पर डबल क्लिक कर अपनी ड्यू डेट को एक महीने आगे बढ़ाकर सेव कर देंगे, जिससे आप आसानी से पेमेंट को ट्रैक कर पाएंगे। तो इस तरह से आप आसानी से रेंटल सर्विसेज मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई कस्टमर फिल्टर कनेक्शन हटवाता है तो आप आइटम पर क्लिक कर दिए गए एडजस्ट आइटम पर क्लिक करेंगे तो यह आपको आपकी क्वांटिटी एट प्राइस में आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू एंटर कर सकते हैं, जो आपके टोटल स्टॉक वैल्यू बताने में हेल्प करेगा, जिसे आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, और फिर डिस्क्रिप्शन में अपना नोट एंटर कर सेव कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं आपके स्टॉक में अवेलेबल आइटम क्वांटिटी दिखाई दे रही है, जिसे आप फिर से रेंट पर देते हैं तो आपका आइटम रिड्यूस हो जाएगा। अपने बिजनेस को एनालाइज करने के लिए या हमने आपको 40 प्लस रिपोर्ट्स दिए हुए हैं, जिसका इस्तेमाल कर आप अपने बिजनेस को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे अगर आप किसी पार्टी को दी हुई सर्विस या सेल का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो सेल पर क्लिक कर पार्टी फिल्टर लगा अपनी पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर प्रिंट पर क्लिक करते ही आपको कुछ फील्ड्स दिखाई देंगे, जिन्हें आप अगर बिल में देखना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर ओके करते ही उस पार्टी से रिलेटेड सभी डिटेल्स देख सकते हैं कि कितनी सर्विसेज दी हैं। साथ ही आप अपनी डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, जहां आप डेट फिल्टर्स का इस्तेमाल भी आसानी से कर सकते हैं, और फिर डे बुक में डे टू डे एक्टिविटीज और ऑल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जहां आपको सभी ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट दिखाई देती है, जहां आप डेट फिल्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पेड, अनपेड और बाकी ओवरड्यू पेमेंट्स भी आसानी से देख सकते हैं। ओवरड्यू पेमेंट्स आपको जानने में मदद करेगी कि आपके पेमेंट्स कितने दिन ड्यू हैं, जहां आप बिल पर डबल क्लिक कर बिल को ओपन भी कर सकते हैं, और साथ ही आप ग्लोबल सर्च का यूज कर डेट फिल्टर्स लगा पार्टी के सभी ट्रांजेक्शन्स को भी आसानी से देख सकते हैं, और ऑल एडिशनल फील्ड्स का यूज कर आप सर्विस प्रोवाइडर की रिपोर्ट्स भी आसानी से देख सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर एक्सेल या पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। और फिर सेल एजिंग पर क्लिक कर आप डेट फिल्टर्स लगा पार्टी का बैलेंस कितने टाइम से ओवरड्यू है ये आसानी से देख सकते हैं, जैसे 1 से 30 के बीच में किसका कितना बैलेंस ड्यू है, 31 से 45 दिन के बीच में किसका पेमेंट ड्यू है, और बाकी कितना पुराना पेमेंट है आसानी से देख सकते हैं। साथ ही आप एरो पर क्लिक कर उन्हें रिमाइंड भी कर सकते हैं।
पार्टी स्टेटमेंट, ऑल पार्टी बैलेंस और अपनी एक्सपेंस रिपोर्ट भी आसानी से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही अन्य वीडियो को टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी व्यापारिंग।